हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, और आज इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं इस चैप्टर को समाप्त। जी हाँ, आज इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करें। ओके, देखो बच्चों, ये अभी तक हम 9 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले, वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, इस चैप्टर के अंदर 4 डिफरेंस बिटवीन है जो कि आप अच्छे से करने। पहला डिफरेंस बिटवीन है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में। दूसरा है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तीसरा है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में। और चौथा है हमारा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। तो इस नोट्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन लास्ट में दे रखे हैं। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो किसी और ऑथर की बुक हो, उनमें भी वो डिफरेंस बिटवीन दे रखे हैं। तो ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन अच्छे से आपको याद होने चाहिए। वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, या तो डायरेक्टली दे देंगे या फिर वहां से क्वेश्चन पिकअप कर लेंगे। तो ध्यान रखना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उनको सिर्फ हम एक रीड लगा लेंगे, वो आपका होमवर्क होगा और हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बाय कंप्लीटिंग आवर टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन। तो चलिए बच्चों, सीधा टॉपिक पर जंप करते हैं। ये सारे टॉपिक्स बच्चों हमारे डिटेल में कंप्लीट हो चुके हैं, लाइन बाय लाइन। और अगर देखा जाए बच्चों, हमने इस चैप्टर को करीबन 3 घंटे दिए हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब इन शॉर्ट, ये अगर आपके पास एक संडे मिल जाता है तो सुबह 1 घंटा पढ़ो, दोपहर को 1 घंटा पढ़ो, शाम को 1 घंटा पढ़ो, चैप्टर खत्म। 3 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म। बच्चों, इतने कम टाइम में कौन पढ़ाता है? हम पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं। हमारी यही यूएसपी है कि हम ज्यादा टॉपिक को कम टाइम में डिटेल में लाइन बाय लाइन समझाते हैं। तो प्लीज आप इस लेक्चर का फायदा उठाइए और पढ़िए। चलो बच्चों, आ गए हम अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बुक में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो स्टार्टिंग में ही दे रखा है, बट हम इसको एंड में करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि स्टार्टिंग में जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद हम आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजिंग करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई पहले बता दो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता क्या है, करते क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हमको वो क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर इंपॉर्टेंस पढ़ना हमारे लिए मजाक बन जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। याद करने का तरीका क्या है? सेट सी गोवा। अगर आप दुखी हो तो गोवा देखो, सैड सी गोवा। सी मतलब देखने वाला, ठीक है, सैड सी गोवा। आप ऐसे याद कर सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को। 7 हेडिंग है इसके अंदर, एक एक करके सातों को देखते हैं। पहला क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो बच्चों, हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर देखा था, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। सिमिलर के नेचर के काम को एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, एक ही तरीके का काम होता है। देखा था हमने, रेपिटेटिव काम करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, स्पेशलाइजेशन ले आते हैं। हमने डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर देखा था, उसको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि उसको पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। मतलब ये कि ऑर्गेनाइजिंग करने से हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का? अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, रीड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द वर्कफोर्स। हम सिस्टमैटिकली सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं। याद है हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर देखा था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जहां पे जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो लोगों की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग उनको काम सौंपता है। दिस रिड्यूसेस वर्कलोड एंड एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। समझ में आया? वर्कलोड कम होता है क्योंकि छोटे छोटे काम हम डिवाइड कर देते हैं, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक जॉब को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो सिर्फ एक ही काम को बार बार करते हैं, और बार बार करने से क्या होता है, आपको वो काम करना अच्छे से आ जाता है, आप एक्सपीरियंस हो जाते हो और वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे एक टीचर अकाउंट्स पढ़ा रहा है 10 साल से, तो वो अकाउंट्स में एक्सपर्ट बन चुका है पढ़ाने में। समझ में आ रही चीज? तो वही यहाँ पे बात लिखी हुई है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। हो गया क्लियर? कोई डाउट आया? ओके। सेकंड आता है बच्चों, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ये हमने काफी अच्छा पॉइंट 2-3 बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर पढ़ा था, लास्ट पॉइंट एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्लैरिटी रहती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा। देखा था नहीं देखा था? तो क्या है, क्लैरिटी रहती है काम करने की, और जब काम करने की क्लैरिटी रहती है
तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होता है, किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट नहीं होता है और प्रॉपर हम काम अच्छे से कर पाते हैं। समझ में आ रही है चीज, रीड करते हैं और भी क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है? Establishment of working relationship, clarify the lines of communication and specify who is to report to whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये किसी भी तरीके की ambiguity को रिमूव कर देता है, किसी भी तरीके की confusion को रिमूव कर देता है, ठीक है। ये आपको hierarchical structure बनाने में मदद करता है। Hierarchical structure मतलब levels बनाने में, कौन senior कौन junior बनाने में मदद करता है, जिससे आप responsibility fix कर सकते हो कि कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है, तभी तो clarity है। और आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन कितने पावर में डिसीजन ले सकता है, कौन किसको ऑर्डर कर सकता है। तो जब क्लैरिटी रहेगी काम करने की तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अथॉरिटी में। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया आपको अच्छे से? पहला हमने क्या देखा, स्पेशलाइजेशन होता है, और दूसरा क्लैरिटी रहती काम करने की। तीसरा क्या बच्चों पॉइंट हमारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम करते ही क्या है, मटेरियल मतलब मशीन वगैरह, रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल मतलब हमारे पैसे हो गए, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारे लोग हो गए। हम इन तीनों का प्रॉपर यूज करते हैं, और प्रॉपर यूज करने से क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज या फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बिल्कुल भी ना हो, और हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर पाए, जितना हो सके उसका बेहतर यूज कर पाए। और जैसे हम अवॉइडेंस करते हैं किसी भी तरह की डुप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं, तो ऐसे केस में हमारा जो कंफ्यूजन है वो कम होता है, वेस्टेज कम होती है, एफर्ट वेस्टेज कम होती है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रॉफिट कमा लेते हैं। आ गया क्लियर पॉइंट कि हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेस का। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। दूसरा हमने पॉइंट कौन सा देख लिया, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। और थर्ड हमने देख लिया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन नहीं होता, किसी भी तरीके का ओवरलैपिंग नहीं होती है, सब में वेल कोऑर्डिनेटेड होता है, तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है क्योंकि हम वेस्टेज कम करते हैं। तीनों इंपॉर्टेंस क्लियर है? ओके, ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, वो है एडेप्टेशन टू चेंज। एक ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इजिली ढाल लेते हैं। कैसे ढाल लेते हैं, क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को उसी हिसाब से बना लेते हैं। फंक्शनल में एक नया फंक्शन ऐड कर देंगे, डिविजनल में एक नया डिविजन ऐड कर देंगे, तो क्या हो रहा है, बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए हम अपने आप को इजिली अडॉप्ट कर लेते हैं उस चेंज के अकॉर्डिंग, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली काम कंटिन्यू करती रहती है, और इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि चेंजेस होने के बावजूद हम ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, सर्वाइव भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया पक्का, कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, ना बल्कि सर्वाइव करते हैं बल्कि ग्रो भी करते हैं। क्लियर पक्का? पहला कौन सा देखा हमने, बताओ जरा फटाफट से, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। दूसरा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तीसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चौथा हमने देख लिया एडेप्टेशन टू चेंज। बड़े आगे, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ये पॉइंट हमने डेलीगेशन में भी देखा था, और ये पॉइंट हमने डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी देखा था, और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। डेलीगेशन करने से क्या होता है, पहली बात तुम्हारे मैनेजर्स का वर्कलोड कम होता है। क्यों? वर्कलोड कैसे कम होता है, क्योंकि वो रूटीन काम अपने जूनियर्स को दे देते हैं, और रूटीन काम देने से क्या होता है, मैनेजर्स के पास काफी ज्यादा टाइम बन जाता है, जिससे वो इंपॉर्टेंट टास्क को टाइम दे पाए, ध्यान दे पाए। प्लस जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके पास मौका मिलता है कि वो अपने टैलेंट को दिखा पाए, अपनी क्वालिटीज को दिखा पाए, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर पाए। क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स देम टाइम टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज, ठीक है ना, वो कहता है मैनेजर्स को नया टाइम मिलता है कि वो नए एरियाज को देख पाए, इंपॉर्टेंट डिसीजन भी दे पाए, और हमारे जो वर्कर्स होते हैं इनके पास टाइम होता है कि वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाए, वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एबिलिटी को शो कर पाए, प्रूव कर पाए कि यस दे आर द वन। वो लिखा हुआ है, डेलीगेशन ऑल्सो डेवलप इन सबॉर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस एंड हेल्प देम टू रिलीज देयर फुल पोटेंशियल। वही बात लिखी हुई, दोनों बातें लिखी हुई है, मैनेजर्स को इंपॉर्टेंट टाइम मिल जाता है कि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पर ध्यान देगा, और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास टाइम मिल जाता है कि वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाए, वो अपनी एबिलिटी दिखा पाए कि हाँ हम किसी काबिल इंसान हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको पॉइंट? हमारा पांचवा पॉइंट है किसका, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल।
पांचों हेडिंग रिवाइज करें, पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, दूसरा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, थर्ड हमारा क्या था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ क्या था हमारा एडेप्टेशन टू चेंज, और फिफ्थ हमने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। पांचों हेडिंग अच्छे से समझ में आ गई, पक्का आगे बढ़े। देखो और क्या दे रखा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आप अच्छे से अपने बिजनेस को चला पाते हो, संभाल पाते हो, क्या दे रखा है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्लियरली बताते हैं कि क्या काम है, किसकी क्या ड्यूटीज है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में हम क्लियरली बता देते हैं, इससे हमारा जो कंफ्यूजन है या डुप्लीकेशन है बिल्कुल भी नहीं होता है, और हमारा जो काम है प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है, हर कोई स्मूथली काम कर रहा होता है, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट करना ईजी हो जाता है, लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना ईजी हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाती है इफेक्टिवनेस आ जाती है, हम काम टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं और टाइमली मैनेज भी कर पाते हैं, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों आपको पॉइंट अच्छे से, पक्का करें लास्ट टॉपिक की शुरुआत इस चैप्टर की, ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म होने वाला इस पॉइंट के बाद, और लास्ट इंपॉर्टेंस क्या बच्चों, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग करने से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजिंग करने से अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने में और डाइवर्सिफाई कराने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ग्रो का मतलब होता है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना, और डाइवर्सिफाई का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू कंपनीज, न्यू बिजनेसेस स्टार्ट करना। कैसे करते हैं, जिससे हम एग्जिस्टिंग चीजों से अपना टाइम बचा पाए, क्योंकि हमने सारा काम नीचे सौंप दिया, डेलीगेशन कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, और न्यू चैलेंजेस ला पाए, इसके कारण हम क्या कर पाते हैं, नई जॉब्स पैदा कर पाते हैं, नए डिपार्टमेंट बना पाते हैं, नए प्रोडक्ट्स बना पाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं मतलब नए प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। क्लियर हो गया, नए नए एरियाज में जाकर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं, ये चीज क्लियर हो गया, जिससे हमारा कस्टमर भी इंक्रीज होता है, सेल्स भी इंक्रीज होती है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। घुमा फिरा के एक ही बात बोली है कि हम पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग हमको इस चीज में हेल्प करता है। नई जॉब्स आती हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, नए बिजनेसेस आते हैं, नए डिपार्टमेंट आते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ऐसे में हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी बढ़ जाती है, सेल्स इंक्रीज होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। समझ में आया, मगज में आया, ओके। और लास्ट में देखो उन्होंने एक कंक्लूजन बात बोली है, दस ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर जो है कंफ्यूजन में से क्या लेकर आता है, ऑर्डर लेकर आता है, केओस होता है, कंफ्यूजन होता है, उसमें से ऑर्डर लेकर आता है, लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे खत्म करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग को बढ़ाता है, और कैसा एनवायरमेंट बनाता है जो काम करने के लिए अच्छा होता है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक मिनट फटाफट से रिवाइज करेंगे, ये इंपॉर्टेंस हम रिवाइज करने वाले हैं, इसके बाद आपके पास एक वन शॉट लेक्चर आएगा, वो आप देख लेना। तो फटाफट से हम जरा ऑर्गेनाइजिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर हम क्लियरली काम को सिस्टमेटिक एलोकेट करते हैं, और एक डिपार्टमेंट का मतलब एक ही काम करता है, जब उस काम को रिपेटेटिव करता है तो उस काम को करने में स्पेशलाइज हो जाता है। सेकंड पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्लियर रखते हैं कि किसका क्या काम है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है, हायरार्की रहती है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं किसके बाद आपको कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड हमने देखा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का ओवरलैपिंग नहीं होता है, किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, वेस्टेज कम होती है, तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी फिजिकल रिसोर्सेज को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपनी फाइनेंशियल रिसोर्स को। क्लियर हो रहा है, ओके। फोर देखिए थी अडेप्टेशन टू चेंज, हम अपने आप को बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इजिली ढाल पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, और उससे आपको स्टेबिलिटी मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इसके अंदर हमने दो बातें देखी, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अपने एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजर के पास टाइम मिलता है कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन पर ध्यान दे पाए, नए एरियाज दे पाए, नए प्रोडक्ट दे पाए जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, और प्लस वर्कर के पास इनिशिएटिव होता है कि वो अपना काबिलियत दिखा पाए, अपनी एबिलिटी दिखा पाए और शो कर पाए कि वो काबिल है फ्यूचर में ऊपर वाली पोजीशन हासिल करने के लिए। इसके बाद अपने बच्चों पॉइंट क्या देखा था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी रहती काम करने की, कंफ्यूजन नहीं होता, कोई डुप्लीकेशन नहीं होता, तो मैनेजमेंट करना इजी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इफेक्टिव हो जाता है, टाइमली काम कंप्लीट हो जाते हैं। और लास्ट हमने देखा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग हमको ग्रो करने में, डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है, हम एग्जिस्टिंग चीजों को छोड़ के नए चैलेंजेस ले पाते हैं, नई जॉब, नए डिपार्टमेंट, नए प्रोडक्ट हम लॉन्च कर पाते हैं, ऐसे हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, सेल्स इंक्रीज होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है।
क्लियर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा सेड सी को आ। एस स्टैंड फॉर स्पेशलाइजेशन, ए स्टैंड फॉर एडेप्टेशन टू चेंज, डी स्टैंड फॉर हमारा क्या हो गया डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, सी मतलब क्लैरिटी, गो मत जी का मतलब क्या हो गया ग्रोथ, और ओ का मतलब क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ए का मतलब क्या हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। हो गया यार, चलो तो बच्चों मैंने रख दिया पेन अपना नीचे और चैप्टर को करते समाप्त। तो चैप्टर होता है बच्चों फिनिश। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, लास्ट बात, ये डिफरेंस बिटवीन है, ये हमारा डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस, ये आपको अच्छे से करना है। देखो ये अच्छे से आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, ये होमवर्क है, और ध्यान रखना यहां से क्वेश्चंस बनते हैं तो अच्छे से रीड कर लेना। इसके बाद हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस बिटवीन है, ये भी आप अच्छे से कर लेना, इजी है लेकिन याद कर लेना लिख के एक दो बार। इसके बाद हमारे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का भी डिफरेंस दे रखा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन से भी क्वेश्चन बनते हैं, आई रिपीट क्वेश्चन बनते हैं, मैं दो तीन बार बोल चुका हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है। और लास्ट डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस, ये भी आप अच्छे से कर लेना। तो चार डिफरेंस बिटवीन है वो आपको अच्छे से करने हैं, लास्ट पेज खाली है, क्लियर हो गया। ओके तो चलिए बच्चों चैप्टर को करते हैं समाप्त, आपसे मुलाकात करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। वीडियो लाइक आए तो पसंद करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इसके बाद दोस्तों के संग इसको शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।